नमस्कार दोस्तों, मैं सजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं मेरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। सुबह के 9 बजे हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ इंडिया से हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया से हैं, इस गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि कंप्यूटर्स के लाइव देख पा रहे हैं और मुझसे बातचीत कर पा रहे हैं। अगर आप लोग मेरी क्लास पहली बार ले रहे हैं, मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियोस का अपडेट मिल जाए। और आप चाहते हैं कि आप हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारे डीवीडी परचेज करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट iptindia.com पे जाके आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, डेमो क्लासेस का फॉर्म भर सकते हैं। डेमो लेना चाहे तो डेमो आप अपने सेलफोन से भी ले सकते हैं, और अपने टैबलेट से भी ले सकते हैं, और पीसी से भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम बात कर रहे हैं आज हम आपके साथ VBE विजुअल बेसिक एडिटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। विजुअल बेसिक एडिटर, चलिए डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि आप यहां डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं, तो एक विंडो आता है, इसको हम कोड विंडो कहते हैं, इसको हम बोलते हैं VBE विजुअल बेसिक फॉर एडिटर, विजुअल बेसिक फॉर एडिटर, ठीक है, VBE इसका नाम है। अब इसको जब भी हम खोलते हैं तो इसमें दो चीज दिखेगी, एक तो जो आपका एडिंस होगा, जैसे बुक वन दिख रहा है आपको, बुक वन हमारा एडिंस, ये हमारा जो है ना फाइल है। अब दूसरा यहाँ पे दिख रहा है इसको एडिंस, जिसमें दो मॉड्यूल्स है उसके अंदर मैक्रो है, तो इसको आप क्लोज कर लीजिए। और आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो फाइल है बुक वन है, और बुक वन का ये रहा ऊपर, जितने भी सीट्स होंगे उस सीट्स का यहाँ पे लिस्ट आएगा। जैसे हमने यहाँ पे शीट्स ऐड कर लिया, तो देखिए जितने शीट हम ऐड करेंगे उतने शीट यहाँ पे आपको दिखे। तो ये जो विंडो है इसमें हमें कोडिंग करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है, दो चीजें चाहिए होती है। पहला चाहिए होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जहाँ पे हम नेविगेट करते हैं मॉड्यूल्स, फाइल, यूजर फॉर्म, सीट वगैरह। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ इस पे क्लिक कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर, जिससे आ जाएगा। और दूसरा हमें प्रॉपर्टी बार चाहिए होता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेगी। जैसे कि एग्जांपल हमने सीट वन को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सीट वन की प्रॉपर्टी नेम, पेज ब्रेक, लेफ्ट टू राइट। अगर इसके मान लीजिए कि मैंने यहाँ लेफ्ट टू राइट को ट्रू कर दिया ना, तो देखिए सीट वन जो है ना, सीट वन पे मैं जाता हूँ, देखिए अब इधर से स्टार्टिंग, ठीक है। ठीक है सर, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज में आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हो, इसलिए प्रॉपर्टी बार ज्वाइन करते हैं। प्रॉपर्टी बार हमने यहां पे लेते हैं, समझ गए सर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर, एक सेकंड, कोई बाहर आ रहा है। तो यहां पे हम प्रॉपर्टी बार का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप यहां से अपना प्रॉपर्टीज मेंटेन कर सके। आगे चल के फिलहाल तो कम यूज है, लेकिन यूजर फॉर्म में इसका अच्छा खासा यूज होता है प्रॉपर्टी बार का। उसके बाद आपको आप कोड करनी है, तब कोडिंग कहां पे करेंगे, राइट। तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं सीधे वन के ऊपर, यहां पे कोडिंग कर सकते हैं, या फिर वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक करके कोडिंग कर सकते हैं, या फिर हम मॉड्यूल्स में कोडिंग कर सकते हैं। और जनरली जो हमारा पब्लिक मैक्रो है, या जो फंक्शंस है, मतलब जो फॉर्मूले बनाते हैं,
और जो हम पब्लिक माइक्रो यूज करते हैं वो हमेशा मॉड्यूल्स में करते हैं। उसका रीजन दो है, पहला कि इसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सके, इसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सके ताकि इसका इस्तेमाल हम जैसे एडिंग्स की में एक्सट्रैक्ट कर सके वगैरह वगैरह। दूसरा कि अगर हम सीट वन पे कोई माइक्रो को बनाते हैं तो सिर्फ सीट वन के लिए ही रहेगा और दूसरे किसी और सीट से रेफरेंस नहीं लेगा, तो इसलिए हम यहां मॉड्यूल्स में यूज करते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा मॉड्यूल्स में ही आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, हाँ सारे सीट पे इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं माइक्रो का। देखिए सीट वन इन सबों पे कौन सा कोडिंग करते हैं, जैसे सीट वन पे डबल क्लिक, सीट्स के ऊपर डबल क्लिक करके या वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक करके हम कोडिंग करते हैं, वो करते हैं इवेंट माइक्रो का। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोडिंग होती है किसकी, इवेंट माइक्रो। यहाँ पे हम इवेंट माइक्रो की कोडिंग करते हैं और मॉड्यूल्स में। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, कि माइक्रो को डिक्लेयर कैसे करेंगे। देखिए करने का तरीका है कि आप पब्लिक सब भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप सब भी लिख सकते हैं और माइक्रो नाम जो देना चाहते हो दे सकते हो। ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर मारोगे तो आपका एक माइक्रो आरआर नाम का क्रिएट हो गया है। अगर आप अपने माइक्रो लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आरआर नाम का माइक्रो लिस्ट में दिखेगा, तो आप ऐसे लिखो। या फिर इंसर्ट में हमारे पास एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर में आप जा सकते हैं, यहां पे हम नाम लिख दीजिए, हम लिखिए टीटी, और यहां पे सब्जेक्ट चाहिए, फंक्शन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, या पब्लिक है या प्राइवेट है, तो यहां पे भी इससे से भी डिक्लेयर कर दे। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो का नाम। अरे जी माइक्रो का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस वही होना चाहिए कि माइक्रो का नाम पहले से माइक्रो डिक्लेयर। एक नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए एक फाइल का, डिफरेंट डिफरेंट फाइल में कर सकते हैं बट एक ही फाइल में कर सकते हैं। अब मान लीजिए सुजीत कुमार मैं नाम नहीं दे सकता क्योंकि मैं माइक्रो के बीच में, माइक्रो नेम के बीच में मैं स्पेस नहीं डाल सकता, डॉट कॉमा ऐसे माइक्रो में स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकता, ध्यान रखिए। तो यहां पे हम अंडरस्कोर डाल सकते हैं, अगर जरूरत हुआ सेपरेशन करने का तो अंडरस्कोर डाल सकते हो, राइट। फिर थ्री डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक नहीं डाल सकते, जैसे मैं लिख दूं राज वन, अब राज वन नाम का माइक्रो नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि राज वन नाम का यहां ऊपर आप देखोगे राज वन नाम का ऑलरेडी रेफरेंस है, इसलिए राज वन नाम का माइक्रो नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक कॉल उठा लेता हूं। हेलो, तो नाम समझ में आ गया कि नाम क्या डालना है और क्या नहीं डालना है, चाहे वो आपका फंक्शन नेम कोई भी किसी भी तरह का माइक्रोज आप क्रिएट करते हो तो नेमिंग मेथड ध्यान रखिएगा। ठीक है, गड़बड़ी ये भी होती है नेमिंग डिजाइन करने में, तो पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि नेमिंग मेथड आपका होना चाहिए। दूसरा, अब कोडिंग जो करनी हो कैसे करनी, तो देखिए जब भी हम कोई कोड जनरेट करते हैं तो उसका एक सिक्वेंस होता है, मतलब
उसका एक प्रोसीजर होता है कोई प्रॉब्लम का। सबसे पहला होता है एनालिसिस, आप प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए। फिर होता है उसको एल्गोरिदम, उसकी एल्गोरिदम बनाइए। उसके बाद होता है उसकी कोडिंग, आप उसकी कोड कीजिए। फिर होता है उस कोड को टेस्टिंग, टेस्ट कीजिए और प्रॉब्लम है तो उसको वापस कोड को रिफ्रेश कीजिए, अगेन टेस्ट कीजिए, उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। मतलब कि आपको कोई काम दिया गया, बाहर जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करेंगे, उसका छोटा तरीका निकालेंगे कि इसका छोटा तरीका क्या है, शॉर्ट वे क्या है, किस तरह की कोडिंग है। फिर उसकी हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं कि उसका स्टेप क्या है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे तीन चीजें लिखनी है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स माइक्रो के जरिए, ठीक है, क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे, जैसे कि रेंज या फिर A1, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट, एंटर, नेम, V1, सेलेक्ट, एंटर, रोल, C1, सेलेक्ट, एंटर। तो अब बोलेंगे सर ये लिखने की क्या जरूरत है, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए। अब बोलेंगे सर इसको लिखने की क्या जरूरत है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए कि नरेश जी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी भी तरह की रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो या फिर मान लीजिए कि नरेश जी को किसी ने बोला कि भाई मेरी रिपोर्ट को ऑटोमेट कर दे। अब नरेश जी इस रिपोर्ट को तो बनाते नहीं है क्या? नरेश जी उस रिपोर्ट को तो बनाते नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए वो हर स्टेप को लिखेंगे, तो क्या सर? वो हर स्टेप को लिखेंगे। तो इसी तरह से एक स्टेप को लिखना है, क्योंकि अगर सीक्वेंस बिगड़ा, मतलब कि A1 सेलेक्ट एंटर नेम, B1 सेलेक्ट एंटर रोल, C1 सेलेक्ट, ये दिख रहे हैं आप, अगर मान लीजिए कि ऊपर नीचे गैप हो गया तो आपका मैक्रो की प्रोग्रामिंग बिगड़ जाएगी, आपके मैक्रो की प्रोग्रामिंग बिल्कुल बिगड़ जाएगी। इसलिए इसका ध्यान आप रखिएगा, इसलिए हम एल्गोरिथम बनाते हैं, समझ गए? क्योंकि एल्गोरिथम में अगर प्रॉब्लम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब कोडिंग का एल्गोरिथम के बिहाफ पे कोडिंग होता है, जैसे मुझे A1 डॉट सेलेक्ट लिखना है तो मैं वहां पे A1 डॉट सेलेक्ट लिखूंगा, फिर एंटर नेम तो एंटर नेम का कोड लिखूंगा, फिर सेलेक्ट B1 सेलेक्ट तो B1 सेलेक्ट का कोड लिखूंगा। इसी तरह से लाइन बाय लाइन अपनी कोडिंग करेंगे एल्गोरिथम के बिहाफ पे, ताकि हमारा कोई भी चीज स्किप ना हो। जैसे मान लो कि आप पिवट लगा रहे हैं, आप सिलेक्शन करना भूल गए तो गलत हो जाएगी ना आपकी पिवट की, क्या सर? तो इसलिए स्टेप्स पूरे होने चाहिए, स्टेप्स बिगड़ने नहीं चाहिए, तो इसका ध्यान आप रखिए, ठीक है? अजय जी समझ में आया?
अभी आप लोग क्या कीजिए, अभी आप लोग मुझे जो है तकरीबन 4 या 5 हफ्ते जो आप जो ऑफिस से जो रिपोर्ट बनाते हैं उसका एल्गोरिदम बनाए और मुझे मेल करें, ठीक है? 4 या 5 एल्गोरिदम बनाए अपने ऑफिशियल रिपोर्ट की और मुझे मेल करें। ठीक है सर, तो फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोड कंसेप्ट। कल की जो क्लास हमारी होगी वो होगी कोड कंसेप्ट, हम आपको कोडिंग करना कल सिखाएंगे। आपको लर्निंग प्रिपरेशन हो गई, कल से कोड स्टार्ट होगा, ठीक है? तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने अभी बाकी लोगों को पढ़ाया, आप भी मेरे साथ इस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 होती है, हर क्लास में हम आपको लाइव फीचर्स बताते हैं, आप आपके साथ ऑनलाइन होते हैं, आप भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे फोन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस का फॉर्म भी भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।